बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूज़ ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। अब ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है इसलिए कि इसमें रिलेशन ऑपरेटर मौजूद है, तो इस एक्सप्रेशन को कहा जाता है रिलेशनल एक्सप्रेशन। अब x की वैल्यू अगर 10 है, y की वैल्यू 20 है, z की वैल्यू 5 है, तो अब हम चेक करते हैं कि इनका रिज़ल्ट या तो ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए। एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, तो ये फॉल्स है ना। x तो y से बड़ा नहीं है तो फॉल्स। रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। y इज़ लेस देन z, y की वैल्यू 20 है और z की वैल्यू 5 है, तो y तो 20 से 5 तो 20 से लेस नहीं है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। x इज इक्वल टू z, तो क्या x और z की वैल्यू बराबर है, नो, तो फॉल्स। x इज़ लेस आर इक्वल टू y, x इज़ लेस आर इक्वल टू y, बिल्कुल। x 10 है, y 20 है, तो x जो है 10 से छोटा है, तो ट्रू। z इज़ ग्रेटर इक्वल टू y, तो z की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 20 है, तो फॉल्स। y नॉट इक्वल टू x, ट्रू आएगा, इसलिए कि y तो x के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपके पास रिलेशन एक्सप्रेशन और उनके रिजल्ट। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।